प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और उसमें भी दो महत्वपूर्ण सीटें कटेहरी और मिल्कीपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी संभाली है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। अजय जी, आज मुख्यमंत्री का दौरा है, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री गए थे और आज मिल्कीपुर का दौरा है और दो सीटें विशेषकर जो 10 सीटों विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें मिल्कीपुर और कटेहरी मुख्यमंत्री ने अपने पास ली। देखिए, मुख्यमंत्री को सभी सीटों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, 10 की 10 सीटें हो रही हैं और अभी जो दो सीट की बात आ रही है, मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने कोई काम किया नहीं, कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं रह गई। पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है और तमाम हत्याएं हो रही हैं, तमाम रेप बलात्कार हो रहा है, केवल और केवल दिखावटी चीज़ें कर रहे हैं। दिखावा का समय चला गया, जनता ने मन बना लिया है कि इनको उनके बुलडोजर को गुजरात भेजना और वो भेज कर मारेंगे। विशेष इसलिए है मिल्कीपुर की सीट क्योंकि यहीं से अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे और फैजाबाद से बाद में सांसद हुए और फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का ये हिस्सा है मिल्कीपुर सीट, तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सीट भाजपा को अब लग रहा है कि जो लोकसभा में हार हुई है उसका कुछ डैमेज कंट्रोल मिल्कीपुर से हो सकता है। देखिए, अब तो देखिए हार केवल इनके जो कुकर्म है उसी कारण से हुए हैं, तो जो इनके कुकर्म जो गलत काम इन्होंने किए, लोकसभा में जनता को झूठ बोला, इनके देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने क्या जनता से कहा, 2 करोड़ नौकरी तमाम वादे किए थे, कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री अपर अयोध्या की बात कर रहा है, अयोध्या में जबरदस्ती गरीबों का मकान तोड़ दिया गया, जबरदस्ती उनकी ज़मीनें ले ली गई, मंदिर तोड़ दिए गए, तमाम अत्याचार, सब गुजराती कंपनियों को ला के बसा दिया आपने गुजरात में, गुजराती कंपनियों को अयोध्या में, तो जनता चिढ़ चुकी है। मैं तभी गया था वहाँ, जब तक गुजरातियों को नहीं भगाएंगे ये लोग और जब तक सारे काम वहाँ के लोकल लोगों को नहीं मिलेंगे तब तक वहाँ की जनता इनको पसंद करने वाली, क्योंकि सारा ठेका गुजरात का आदमी कर रहा है सारा। अभी एक मैंने नगर निगम का देखा है, उसको बिना उसका टेंडर दिए ही उस पुराने टेंडर पे सारे उसको पैसे स्वीकृत किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता ने मन बना लिया है और पूरे प्रदेश और देश की जनता ने मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी से अब इस प्रदेश और देश की जनता मुक्ति चाहती है। उपचुनाव को लेकर आपकी तैयारी किस तरह से है और क्या गठबंधन को लेकर कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा समाजवादी पार्टी से कोई बात हुई? हमारी तैयारी चल रही है, हम लोगों ने यहाँ से प्रस्ताव बना कर भेजा है, 5 सीटों पर हम लड़ेंगे, जो हमारी सीटें 5 जो समाजवादी की वो लड़ेंगे और बाकी फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और निश्चित तौर से 10 की 10 जीतेंगे, ये दावा हम करते हैं। एक अंतिम प्रश्न है कि बनारस संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और जिस तरह की तस्वीरें आजकल आ रही हैं बाढ़ में पूरी तरह से डूबा हुआ। देखिए, ऐसा है बनारस में कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, चाहे वो गदौलिया हो, चाहे वो लौरावीर हो, खुजवा हो, अर्दली बाजार हो, पांदरीबा है, चेतगंज है, बनारस सिगरा है, चंद्रिका नगर, ऐसे ऐसे कॉलोनी सब पानी में डूबे हुए हैं। फ्लाईओवर कैंट के सामने का फ्लाईओवर के ऊपर भी पानी लगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे बनारस को जिस तरीके से विकास का सपना दिखाया था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, वहाँ की जनता पूरी तरीके से परेशान है और वही जो पहले जो दिक्कत थी उससे ज़्यादा दिक्कत अब हो गई है। तो जनता ने दिखाई दिया था, बच के निकल, तो अब बच के निकलने का चांस भी नहीं आ गया। मॉडल सिटी के तौर पे बिल्कुल, अब मॉडल सिटी भी, अब इनको अब बच के निकलने का भी मौका जनता माँ की नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय, जिन्होंने ना जो विधानसभा के चुनाव है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, बताई कि किस तरह से कांग्रेस की तैयारी है, बल्कि जो बाढ़ आई है बनारस में उस पर उन्होंने भी कुछ बीजेपी पर कटाक्ष किया। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ आनंद सिंह, APN न्यूज़, लखनऊ।